बढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े अज्ञान न से हो कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े अज्ञान न से हो आत्म का सम्मान जगा और अपने को कुछ शान दे कुछ ध्यान दे कुछ ज्ञान ले कुछ ठान ले शान दे कुछ ध्यान दे कुछ ज्ञान ले कुछ ठान ले कौन पाठ पढ़िए आली जो ज्ञान बढ़े अज्ञान न से हो कौन लड़के को पढ़ाने की तो हर माँ बाप सोचते हैं पर लड़की को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझते पर कई बार लड़की की जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जिंदगी उसके लिए बोझ बन जाती है क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है इस लड़की का नाम है चंपा चंपा का बाप पत्थर की खान में मजदूरी करता है एक एकड़ की खेती भी है पर उससे पेट कहां भरता है पांच भाई बहनों में चंपा तीसरे नंबर पर है ठीक सोचा चंपा के जन्म पे किसी को खुशी नहीं हुई इससे पहले भी तो दो बेटियां थीं बेटी का तो जन्म ही खराब है चंपा की मां यही कहती है बेटियों की मां है ना उनका दर्द जानती है थोड़ी सयानी होते ही मां बाप ने चंपा का ब्याह कर दिया पर कुछ साल में ही उसका मर्द जाता रहा एक बेटी भी पैदा हुई थी पर वो भी गुजर गई चंपा पीहर लौट आई ससुराल हो या पीहर औरत को तो वही काम है सुबह चार बजे उठना चारा कुट्टी करना गाय भैंस को बांटा देना झाड़ू बुहारू रोटी पानी बस रात तक यही सब चलता रहता है चंपा भी मां का हाथ बटाने लगी जवान विधवा बेटी घर में बैठी थी उसके बाप ने सोच विचार के उसका दूसरा ब्याह कर दिया लड़के की भी पहली औरत गुजर चुकी थी पहले छह महीने तो चंपा बड़ी खुश थी फिर धीरे धीरे उसके मर्द का स्वभाव बदलने लगा बात बात में झगड़ा करता शराब पी के मारता पीटता तू शादी में कुछ नहीं लाई तू सुंदर नहीं है तेरे से हजार गुना अच्छी लड़की मिल सके थी घर में चंपा रात दिन खटती रहती फिर भी घरवाले की गालियां और लाते ही मिलते वो अकेली बैठकर रोती रहती थी और करती भी क्या औरत तो खूटे बधी गैया है ना घर वाले का गम चंपा ने दिल को ऐसा लगाया कि उसका सोने सा शरीर धीरे धीरे गलने लगा चंपा को लगातार खांसी रहने लगी ना किसी ने दवादारों को पूछा ना प्यार के दो बोल ही बोले चंपा को तपेदिक की बीमारी हो गई बेचारी ढाई महीने अस्पताल में पड़ी रही तन से मन का रोग बुरा कुछ थोड़ी ठीक हुई तो डॉक्टर ने कहा घर जाओ घर कौन सा जहां रात दिन मरद दुनिया सा कूटता रहे
जहां दो घड़ी का चैन नहीं वो कोई घर थोड़े ही होता है। पर घर के बड़े बूढ़ों के सामने क्या बोलती। सबने कहा लड़की का घर तो उसका ससुराल ही होता है। मन तो नहीं मानता था पर सबका कहना मान के चंपा फिर एक बार ससुराल आ गई। क्यों आई हो? मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तो दूसरा ब्याह करूंगा। सो बस एक दिन फिर मार पीट के घर से निकाल दिया। अनपढ़ लाचार चंपा फिर एक बार मां बाप के घर आ गई। पड़ोसी बातें करते हैं, उंगली उठाते हैं, मर्द ने निकाल दिया है कुछ तो खोट होगा, चाल चलन ठीक नहीं होगा। खुद चंपा अपने बारे में क्या सोचती है? बस अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं जी तो किसी का मुंह ना देखूं। लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जावे लोग? क्या लोग हमें खिलावे हैं? मां बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया नहीं क्योंकि वो बेटी है, बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। बस घर का काम करेगी जी, इसी खातिर स्कूल नहीं भेजा। चंपा अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, कुछ करना चाहती है पर कोई उसे मौका नहीं देता। उसे और कोई इच्छा नहीं है ना, अब शादीवादी ना करनी, बहुत देख लिया जी, बस जी खट्टा हो गया। मां बाप ने उसे पढ़ाया होता तो आज यूं मोहताज ना होती। चंपा यदि पढ़ी लिखी होती तो उसकी यह दशा नहीं होती, पर पढ़ा लिखा न होना ही एकमात्र कारण नहीं है। इसके साथ साथ औरत को जिंदगी में फुर्सत ही कहाँ है कि वह सोच सके, समझ सके और आराम कर सके। बाहर के काम के साथ साथ रोजमर्रा के घर के काम, बच्चों की देखभाल, इस सब के बाद उसमें ताकत ही कहाँ है, उसके पास समय ही कहाँ है। औरत की इस मेहनत को आसान करने के लिए आजकल कुछ नए साधन बनाए गए हैं जिससे कि औरत की मेहनत कुछ कम हो सके। इसमें इस चक्की में जो दो विशेष सुविधाएं हैं वो हैं कि हम इसको चलाते समय आसानी से चला सकते हैं क्योंकि इसके नीचे एक बॉल बेयरिंग लगी है जैसा कि अभी आपको दिखाई देगा। इसमें आप देखें कि ये हिस्सा ऊपर निकल जाता है, इसमें निशान बना हुआ है, ये इसमें एक गोली है जिसके ऊपर ये आराम से घूम जाता है। और ये हिस्से में आप देख रहे हैं एक बोल्ट लगा हुआ है जिसको आप ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, उस बोल्ट के सहारे ये ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर फैल जाता है। ये बोर्ड लगा हुआ है आप देखें इसे, ये देखिए ये नजर आएगा आपको घूमता हुआ, थोड़ा आगे की तरफ आ रहा है अभी, ये देखें। तो इस बोल्ट के ऊपर ये ऊपर का पार्ट टिक जाता है और जब हम इसके अंदर अनाज पीसना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए दाल बनाने के लिए चने से या किसी अन्य अनाज से, तो उसी हिसाब से हम इसकी दूरी बदल देते हैं और वो दाने के साइज के हिसाब से हो जाता है और उसको हम फिर चला करके दाल बना सकते हैं। ठीक लगी है, उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाएंगे। दाल दलिए इसमें अच्छा डाला जाता है और जल्दी डाला जाता है, कम मेहनत, हाँ कम मेहनत करनी पड़ती है। गन्ने से चीनी बनाने का कारखाना। दिन के 5 रुपए मजदूरी पर यहां औरतें काम करती हैं। काम के घंटे भी 8 नहीं हैं, 12 हैं।
लेकिन औरतें ही नहीं। आपकी उम्र कितनी होगी? हाँ, कितना बरस की है? आठ बरस की बच्ची के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, काम या खेलकूद? वन आरक्षित क्षेत्र में बसा एक गांव। आरक्षित होने के कारण औरतें न तो खेती कर सकती हैं, न ही खेतों पर मजदूरी और न ही लकड़ी बेचकर कुछ कमाई। लकड़ी बेचने जाते हैं तो ये फॉरेस्ट वाले रोकते नहीं है? मार देते। पुलिस स्टेशन पुलिस पकड़ ले जाता है। पुलिस पकड़ के ले जाता है। अच्छा, मोगराबाई की छिनी हुई जमीन, मोगराबाई को भी पुलिस पकड़कर ले गई थी। वजह यह थी कि अपनी छिनी हुई जमीन पे हक जमाने के लिए उन्होंने उसे जोता। ठीक कटाई के समय मारवाड़ी ने चोरी के इल्जाम पे उसे गिरफ्तार करवा दिया और फिर आपको ले गए पकड़ के। पांच पुलिस वाले। फिर इस बार जो फसल कटी हुई पड़ी है फिर आप ले आएंगे घर में? ती जी वाडुलो है ते कण पाठे लिया होना रहा तुम हो। हां मारवाड़े धमकी देना कोई तीज पड़ जाए का पुलिस थो कैसे ला सकते हैं? चोकसी लेता हंती ही पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कितनी चोकसी चालू हंती है खेता में? हो खेतों में। फिर इधर और साथी आपके आदिवासी साथ नहीं देंगे पुलिस को? आमा अति जमीन गए दिया दुनिया ना जमीन गए ना तुमने साथ के तो देना। मुझे कौन साथ देगा? गांव लोग दुनिया की जमीन छिन रही है, मुझे कौन साथ देगा? गांव में जो आता है मारवाड़ी का साथ देता है। जो संगठन में है लोग वही साथ देते हैं, बाकी के लोग साहूकार की भी बाजू लेते हैं। साहूकार गादी बहन जाता थे ते हमने कहीं साथ दिया हमने कहा चाहे पाटिल हो, पुलिस हो, मारवाड़ी हो या और कोई हो, ये हमें साथ थोड़ी देते हैं। हमें अगर कोई साथ देता है तो सिर्फ संगठन वाले ही साथ देते हैं। तुम हमें कोंडा या तुम खातर केडो आवे का हम आवे आवे हमने केडो दिखला हां आवे अदने तो कल मैं हमने ले जाए तुम कहां बक बक के था। जब पेट भरने तक के लिए पुलिस साहूकार मिल मालिक के दंडों का सामना करना पड़े तब विद्रोह ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। लेकिन अब यह औरतें समझ गई हैं कि परेशानी सभी की एक ही है। आपस में बातचीत करके साथ मिलकर मजबूती महसूस करने लगी हैं। कतना दा मड़का भी फोड़ना परकाल भावे नो परकाल भावना हम मड़का फोड़ना आपको एक दा मड़का फोड़ बेन तीन दा मड़का फोड़ा देंगे घर घर दारू। हर घर में दारू का किस्सा है। कल उधर शराब फोड़ी तो आज इधर शुरू, उधर पत्ते फाड़े तो इधर शुरू, अकेले कब तक लड़ते रहेंगे? तीला के अतला सोमारी ताबाई अनार से अनसकाय मा तीला गयो तीला बेन महीना तो दादर का पीली तवती मीठी उठी तवती सुपली वाला तक खाली खेत में। महाराष्ट्र की इन आदिवासी औरतों ने अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए स्त्री मुक्ति संगठन बनाया। संगठन बनाने से आज इन औरतों में हिम्मत है। आता मुकल्ला आई थी तवती तो इंद्र कांग्रेस लाए तो इंद्र कांग्रेस का गणतर लाए थी अपना बाय बेटी पजरा आप उस पर अन्याय हो ना अन्याय कौन दूर करे आप बटे पाए मी। अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये औरतें बहुत सोच समझ कर रणनीति बनाती हैं और मिलकर एक साथ आवाज उठाती हैं, मोर्चा भी निकालती हैं। अन्याय के विरुद्ध आदमी और औरतें दोनों ही मिलकर संघर्ष करते हैं।
शेतकऱ्यांना कर्ज माफ, गरीब शेतकऱ्यांना कर्ज माफ, मोर्चा निकाल तहसीलदार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डालती हैं। तीजर भाई तू बनाम भाई पन वाले तो तीना पत्ता दोन में नला भेट ना जोए जे अंसार कर तो मालक में तिवा सुलकार ना जोए जे 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 ते तिलावा सुलकार ही ना रहे पन वो भाई सेते ना जोए जे अनपोस ना जोए जे। मिलकर मोर्चा निकालना, तहसीलदार पर दबाव डालना और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का सहारा लेना, ये सब कुछ इनकी रणनीति में जुड़े हैं। केलो भाई आज आप इधर धूले क्यों आए हैं? तारीख के लिए आए हैं। किस बात के लिए तारीख पड़ी है? काम, हर काम को ऊपर टाइम के लिए। हाँ, ऊपर टाइम। मुकदमा कितने तारीख पड़ चुकी है आपकी? तीसरी तारीख है। अच्छा, आपका गांव यहाँ से जाने के लिए बस का किराया कितना लगता है? 15 रुपया। तो तीन बार आना और तीन बार जाना पड़ता है। अभी कुछ फैसला हुआ है? नहीं हुआ है। अभी लड़ाई लंबी है, कुछ हार हुई है कुछ जीत। ये औरतें अब अन्याय का सामना कर सकती हैं। यह संघर्ष इनकी जिंदगी, इनकी चेतना का एक भाग ही बन गया है। पढ़िए।